चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी
सभी को मैं जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु श्रीवास पंडित को बोले तुम्हारी सब घर गृहस्थी है, ये घर गृहस्थी कैसे चलेगा? तो उन्होंने क्या बोले, उत्तर क्या दिया, उन्होंने तीन बार उन्होंने ताली बजा दिया, बोले आप जो गीता में प्रतिज्ञा किए हो उसका प्रति मेरी पूर्ण विश्वास है, जो हर समय तुम्हारी चिंतन, तुम्हारी ध्यान, तुम्हारी भजन में, तुम्हारी भाव में डूबे रहते हो, आप उनको स्वयं लालन पालन आप स्वयं उनको करते हो, कहते इसमें मेरे पूर्ण विश्वास है, इसलिए मुझे कहीं जाने का जरूरत नहीं, केवल तुम्हारे आदेश को ही मैं पालन करूंगा। यहाँ पर प्रश्न होता है, भगवान तो इच्छा करने पर भक्तों घर में पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा कि नहीं? जैसे इच्छा किया सुदामा का राता रात राजमहल हो गया, फिर यह प्रश्न होता है, फिर ये भगवान को फिर क्यों जाना पड़ता है? भगवान क्यों करे मैं सर पर रख करके भक्तों घर में पहुंचाता हूँ, क्या कि क्या जरूरत है? बोलो क्या जरूरत है उनको, खुद तो इच्छा करते हो पहुंच जाएगा, फिर ठाकुर जी कहते मैं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ, किस लिए? इसलिए यहाँ पर कहते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण दिया है, हाँ, जख राखे मेहतारी जिनी बालक माता रखे मेहतारी, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे कि माँ एक बच्चे को जैसे लालन पालन करती है, उसको रक्षा करते हैं, ठाकुर भी उसी तरह का अपना भक्तों को रक्षा करते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे जैसे माँ अगर कोई आज माँ ने बढ़िया खाना बनाए, लेकिन बच्चा दिन भर खेलते खेलते थक गया और शाम को सो जाता है, आपको पता होगा जब बच्चा सो जाता है ना, उसको उठा कर खिलाना बड़ा कठिन है, सहज में नींद में सोता रहता है ना, वो सहज में नहीं उठता है, दिन भर खेलते खेलते थक जाता है। लेकिन मैया क्या करती है, अगर मैया को कोई बोल दे तुम खाना खा लो, माँ खा दे, माँ की मन नहीं मानेगा, जब तक माँ बच्चे को खिला नहीं देती है पेट भर करके, माँ स्वयं खाना नहीं खाती है, बच्चे खाने का बात खाती है। फिर ऐसे नहीं अगर किसी नौकरानी को बोल दिया बच्चे को खिला दे, तब भी माता का मन नहीं भरता, पता नहीं माँ को पता है एक बच्चा कितना खाने से माँ का बच्चा का पेट भर जाता है, इसलिए जब तक माँ स्वयं उसको अपना हाथों से खिला नहीं देती है, अगर कोई नौकरानी खिला देगी ना, नौकरानी तो नौकरानी होती है ना, खाए नहीं खाए क्या सोते रहते, लेकिन माँ ममता है, माँ के अंदर में ममता है, माँ अपना हाथों से खिला करके ही वो तृप्त होती है, नहीं तो तृप्त नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं उसी तरह जो हर समय मेरे चिंतन, मेरे भक्ति, मेरे भजन में हर समय डूबा रहता है मेरे भक्त है, जगतर माता कृष्ण, जगतर पिता कृष्ण, तमेव माता च पिता तमेव, वो हमारे पिता माता है, इसलिए वो जब तक अपना भक्तों को अपना हाथों से खिला नहीं देते है ना, तब तक भगवान की मन नहीं भरता है, भगवान खिला करके ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्रीवास पंडित बोले प्रभु मेरे को कोई चिंता नहीं, आप तो दायित्व तो लेकर के रखे हो, हैं आप तो दायित्व तो लेकर के रखे हो, इसलिए मैं आपका आदेश को ही पालन करता हूँ। देखो भगवान यहाँ कितने बड़ी बात कहते हैं, बोले कौन चिंता मोर से बकर भिक्षा करी मोई जार पोष्टा आछो सवार उपरी, इसलिए कहते कौन चिंता करे सेवक भिक्षा करी, इसलिए भक्तों लोग अपना है भिक्षा करने का क्या जरूरत है, कारण क्या है, मोई जार पोष्टा अच्छे सवार उपरी, रक्षा करने वाले पालन करने वाला मैं हूं ना, सबको पालन करने वाले मैं हूं ना, जब मैं स्वयं हूँ भक्तों को क्या चिंता है, हैं? इसलिए सुख है श्रीनिवास तुम्हें बसिता करे अपनी आशीर्वाद सब तुम्हारे द्वारा, इसलिए श्रीनिवास कोई चिंता मत करो, घर में बैठे रहो, तुम घर में बैठे रहो अपने आप सब आएगा, अपने आप तुम्हारे घर में सब आएगा, लेकिन कमी किसका, हमारे अंदर में ना भगवान में कमी है,
कभी कभी हम भगवान के ऊपर दोषारोप करते हैं, भगवान हमें खिलाए नहीं, भगवान हमें दिया नहीं, भगवान ऐसे किया, भगवान ऐसे किया, हजार दोष है ना, थोड़ी सी कुछ इधर उधर हो जाए, हजार दोष भगवान के ऊपर में हम दे देते हैं। लेकिन जब भगवान देते हैं ना, कभी दोष नहीं देते, जब थोड़ी सी है, थोड़ी सी जब इधर उधर हो जाए, बस भगवान के ऊपर में। लेकिन दोष किसका है? दोष हमारी है, क्योंकि ठाकुर जी जैसे बोले हम वैसे नहीं करते हैं। अगर वैसे करने लग जाए फिर तो भगवान ही भूखे रहेंगे जब तक हमें ठाकुर जी खाना नहीं खिलाएंगे। अपना भक्तों को खिला करके ही भगवान तभी भोजन करेंगे। इसलिए बोले अद्वैत रे तुम्हार आमार यही बार जराग्रस्त नाही वे तुम्हार कलेवर। महाप्रभु कितना बड़ा वर दे रहे हैं, बोले तुम और अद्वैत को मैं वरदान देता हूँ। क्या वरदान देते हैं? तुम दोनों कभी बूढ़े नहीं बनोगे, तुम दोनों को ही कभी बूढ़े नहीं बनोगे। इसलिए नारद जी का छवि देखना, कभी बूढ़े छवि दिखता है, उनका दाढ़ी मोच दिखता है, नहीं दिखती है, है? इसलिए कभी कभी अद्वैत का दाढ़ी मोच दिखाते हैं, लेकिन कहीं कहीं कहते नहीं अद्वैत का दाढ़ी मोच नहीं है। क्यों? वो महाविष्णु है, वो महाविष्णु है, वो थोड़ी बूढ़े होते हैं भगवान, भगवान बूढ़े होते ही नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले महाप्रलय हो, कहते साधारण बात छोड़ दो, महाप्रलय में भी हमारी भक्त का विनाश नहीं होता है। इसलिए हमारे एक उड़िया में कीर्तन है, आहे नीला शैल प्रबल मत वारण मत नलिनी वन कुपल, उसमें कीर्तन भरत या पखी रखी थी लटी, उड़िया में भजन है ना, कौन सा है? जगन्नाथ परिजने सामत नहीं नहीं तो। इसलिए उसमें कहते हैं भारत या पखी, भारत युद्ध रे भारत या पखी। इसलिए जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, एक चिड़िया था घंट घोड़ा ही न रखी थी लटी। इसलिए जब युद्ध हो रहा था, महाभारत युद्ध बचेगा कैसे? कल जो घंट बजाते ना ठाकुर जी, उसके ऊपर में है, उसके ऊपर में ढकती है, उसके ऊपर में ठाकुर जी ढक करके उसको रक्षा किए ठाकुर जी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं महाप्रलय में भी मेरा भक्तों का विनाश। हरे कृष्ण। बोले एक समय क्या हुआ, कहीं आंधी तूफान आई, और इतने जोर से आंधी तूफान, जैसे हमारे भारत में फनी आई थी ना, फनी जैसे आई थी, ऐसे फनी आई, जैसे कहते जहां पर वो लैंड किया ना, वहां का मिट्टी भी उखाड़ करके ले गया, मिट्टी भी उखाड़ कर, ऐसे आंधी तूफान पर आई थी। आई थी तो सारे दुकान मुकान सब जैसे इधर आकर के सब तोड़ फोड़ दिया, ऐसे तोड़ फोड़ कर दिया। लेकिन देखा एक छोटी सी छैया कुटिया, कुछ नहीं हुआ। लोग बोले भैया यहाँ पर सारे मिट्टी समेत उखाड़ करके ले गया, और ये छोटी सी कुटिया, हाँ भूस का छोटी सी कुटिया भी कुछ नहीं हुआ। वहां जाकर के देखा ना, एक वृद्ध व्यक्ति भजन कर रहा है, तिलक कंठी माला और माला लेकर के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम कर रहा था उसको अंदर बैठ करके। हैं इसलिए पवन को नहीं बोले मत भैया बाती बात हो, कहते मेरे डर से ये पवन दे, मेरे डर से बहती है, हैं बहती है। इसलिए भगवान की भजन करने से ठाकुर क्या करते हैं? हर समय रक्षा करते। इसलिए कौन तय प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणशति। भगवान अर्जुन को कहते अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं बोले महाप्रलय में भी मेरे भक्तों का विनाश नहीं, मैं भक्तों को रक्षा करता हूँ। कहते मेरी भक्त की बात छोड़ दो, यहाँ पर भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त का जो भक्त है, हैं? और मेरे भक्त का जो भक्त और जो मेरे भक्तों का शरण लिया है, कहते उनका भी प्रलय नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जे में भक्ता जना पार्थ न में भक्ता स्ते जना मत भक्ता नांच जे भक्तास्ते समय जुक्त तमामता। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो कहता है मेरा भक्त है वो मेरा असली भक्त नहीं, लेकिन मेरा भक्तों का जो भक्त है वो असली मेरा भक्त। इसलिए महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं उसको भी मैं पालन करता हूँ मेरे भक्तों का जो भक्त है। जार घरे प्रभु नित्यानंद विलास, जिस घर में सख्यात नित्यानंद प्रभु विलास कर रहे हैं वो घर में कुछ हो सकता है? क्योंकि महाप्रभु श्रीवास पंडित को बोले ना, तुम्हारी एक बेटा तो गया, आज से हम तुम्हारी दो बेटे हैं, एक नित्यानंद और एक मैं, हम दोनों आज से तुम्हारी बेटे। तुम्हें सचमुच से एकदम नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित घर में बच्चे जैसे रहते थे,
माँ जैसे किसी बच्चे को भोजन कराती हैं, उसी तरह मालिनी नित्यानंद प्रभु को भोजन कराया करती थी, ऐसे भोजन करते थे। और नित्यानंद प्रभु जिस घर में, इसलिए कह रहे उस घर में कुछ हो सकती है, अभाव बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पर बोले प्रभु राघव पंडित घरे किया आलिंगन प्रेम जले स्नान करा। इसलिए महाप्रभु श्री राघव पंडित जा करके उनका आलिंगन किया, अपना प्रेम रूपी आंसू से उनको स्नान कराया, और राघव पंडित ने महाप्रभु के लिए तरह तरह का व्यंजन बनाया। लेकिन उसको पता है यद्यपि महाप्रभु हर चीज को प्यार करते हैं, लेकिन महाप्रभु का सबसे प्यारा क्या चीज है? साग। इसलिए उन्होंने साग को, अगर हमारे घर में कोई अतिथि आता है, कोई प्यारा अतिथि, हमें उनको पता है इसको ये चीज बढ़िया लगता है, हम क्या करेंगे? वही चीज बढ़िया करके बनाएंगे, उनको चीज पसंद है ना। हाँ, पसंद है ना। इसलिए जानते हैं महाप्रभु को साग, साग सेवन जीवन सार्थक मानी। इसलिए विशेष करके उन्होंने खूब साग तरह तरह का बनाया है, और महाप्रभु साग खा करके इतने खुश हो रहे थे, बड़े खुश हो। साग मतलब साग भाजी, भाजी साग, भाजी हरी पत्ता। इसलिए कहते उन्होंने गदाधर दास, गदाधर दो है, एक गदाधर पंडित है और एक गदाधर दास है, हैं? ये गदाधर दास महाप्रभु का भक्त है और एक एक है गदाधर पंडित। इसलिए जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने आए, उन्होंने सबको हरिनाम दिया, सबको उन्होंने हरिनाम दिया, सभी महाप्रभु का समय में हरिनाम लिया। लेकिन एक मुसलमान था, वो हरिनाम नहीं ले रहा था। गदाधर बोले क्या हरिनाम नहीं करोगे? एकदम सवेरे सवेरे पहुंच गए उसको घर में, बोले दरवाजा खोल भाई, इतना तेज है, दरवाजा खोल। आ करके वो मुसलमान कांपते कांपते दरवाजा खोला, बोले बोल महाप्रभु आया, सारा दुनिया को उन्होंने हरिनाम दिया, तू अकेला पाखंडी रह गया, हरिनाम ने बोल हरिनाम बोल हरे कृष्ण। बोले मैं हरे कृष्ण कल बोलूंगा। बोले कल क्या, आज ही बोल दिया। बोले कल क्या बोलोगे, आज ही कृष्ण बोल दिया और तुम्हारे उद्धार उद्धार हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते गदाधर दास के ऊपर में उन्होंने विशेष कृपा किया है, और श्री पुरंदर परमेश्वरी सबको ऊपर में कृपा किया, रघुनाथ वैद्य। इसलिए और महाप्रभु ने विशेष करके पानी हाट में महाप्रभु गए, पानी हाट में चैतन्य महाप्रभु का चरण धूलि वहां भी पड़ा, कहते वो स्थान भी पवित्र हो गया। इसलिए भगवान अलग अलग जगह में क्यों घूमे है, कारण क्या? बोले कारण है जहाँ पर महाप्रभु का चरण पड़ेगा वो स्थान पवित्र हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु सब जगह घूमे। एक दिन महाप्रभु ने क्या किया, बोले राघव पंडित प्रति श्री गौर सुंदर निभृते बसिल किछो रहस्य उतर, राघव तुम्हारे आमी निज गोप्य कही हमार द्वितीय देह द्वितीय नाई नित्यानंद वही। देखो यहाँ पर आप लोग भी सुनो क्या महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। महाप्रभु राघव पंडित को हैं एक समय क्या हुआ, एक एकांत स्थान में उनको लेकर बैठाया, दोनों महाप्रभु राघव पंडित बैठे, बैठी करके महाप्रभु ने कहा देखो आज तुमको मैं कुछ रहस्य बात बताऊंगा, बड़े गोपनीय बात बताऊंगा। हैं? बोले क्या गोपनीय बात? बोले राघव तुम्हारे आमी निज गोप्य कही, मैं अपना गोपनीय बात तुम्हें बता रहा हूँ। बोले क्या गोपनीय बात बता रहे हो? बोले अमार द्वितीय नाही नित्यानंद वही, जो नित्यानंद है ना ये हमसे अभिन्न नहीं, हम एक ही है। इसलिए दो ही प्रभु एक तनुक समान प्रकाश हैं, दोनों प्रभु बलदेव और श्री जगन्नाथ, देखने में काले और एक गोरे हैं, लेकिन तत्व तो वो अलग नहीं हैं, तत्व तो एक ही है। लेकिन अपना सेवा शिक्षा देने के लिए, लीला विलास करने के लिए कृष्ण का डाण अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुई और बाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई। केवल उन्होंने लीला विलास के लिए दो रूप रास केवल दो ही व्यक्ति किया है, एक कृष्ण किया और एक बलदेव प्रभु किया, और ये रास को किसी ने भी ये रास लीला नहीं किया। इसलिए जब श्री माधाई ने नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया, महाप्रभु क्या बोले, नित्यानंद मेरा शरीर है और तुमने मेरे शरीर के तुमने सर फोड़ दिया, उन्होंने चक्र चक्र को बुलाया, आज तुमको विनाश कर दूंगा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले हमारे द्वितीय नहीं नित्यानंद भाई, नित्यानंद प्रभु को छोड़ करके हमारे और कोई
है ही नहीं है, ये महाप्रभु गोपनीय बात कर रहे हैं। इसलिए कहते नित्यानंद है ना, जो कुछ मैं कुछ नहीं करता हूँ, महाप्रभु कहते मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये नित्यानंद प्रभु मेरे से जो करवाता है ना मैं वही काम करता हूँ है। इसलिए और मैं जो कुछ करवाता हूँ, महाप्रभु कहते हैं जो कुछ मैं करवाता हूँ इसको धर्म में करवाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ इसको धर्म। बात भी सही है। कृष्ण क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन में पास बंसरी में जाते रहते हैं, राधा रानी को गोपियों को लेकर के अपना सखा सखी पिता माता को लेकर कृष्ण क्या करते हैं, उनका काम ही यही क्या है, लीला विलास करते हैं है? और कुछ कृष्ण नहीं करते, जगन्नाथ कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ रहे सब नाटक देख रहे सब, और सब करने वाले कौन है, बोले बलदेव प्रभु, सारे काम बलदेव प्रभु करते, इनसे ही शंकर सैन कारण दुखसाई गर्भ दुखसाई खिराब दिशाई यही तो सारे दुनिया का काम यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इसलिए कि कौन है, बलदेव प्रभु का प्रकाश और जगन्नाथ बास उनको लीला में जगन्नाथ जी, और वो तो गोलोक वृंदावन में बंसरी बजाते रहते, वो आनंद में मस्त रहते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मैं जो कुछ करवाता ना इससे द्वारा करता हूँ। इसलिए हम देखने के लिए लगते हैं हम दो है, काले और गोरे हैं, लेकिन हम काले गोरे नहीं। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर क्या बोले, क्या बोले वृंदावन दास ठाकुर बोलो, इसलिए बोले अजान लंबित भुजो कनका बदातो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो विश्वभरो द्विजवरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा बताओ। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर एक श्लोक में उन्होंने दो वचन प्रयोग किया, मतलब मेरे जो प्रभु श्री बलदेव श्री महाप्रभु से कोई अलग नहीं हो, एक ही है, लेकिन प्रभु दो ही देखने के लिए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं देखो हम लोग दो नहीं, हम एक ही हैं, हैं? सुलभ जा पाए नित, कहते हैं ये कलयुग में बड़े बड़े जोगेश्वर बड़े बड़े भोगी बड़े बड़े जोगी बड़े बड़े तपस्वी कलयुग में जो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कहते ये नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु ये प्रेम देगा। इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर क्या कहते हैं, आबध करुणा सिंधु काटिया मुहाना परे घर भोले प्रेम आमियार बाना निताई गो नमाने आमार निताई गो नमाने आनिया प्रेमेर बन्ना भासाई लवने। इसलिए लोचन दास ठाकुर कहते हैं निताई गुण मनी अमार निताई गुण मनी है, कहते ये क्या अबध करुणा सिंधु, उदाहरण देते हैं जैसे एक तरफ में पूरा पानी ठसाठस भरा हुआ और एक बांध है और एक तरफ पूरा खाली है, एक तरफ खाली, अगर उसका बांध को तोड़ दो तो क्या होगा बताओ, काटिया मुहान है, उन्होंने फावड़ा लेकर काट दिया तो जब काट दिया एक तरफ पानी भरा हुआ, इतने तेजी से पानी आया ना जैसे सुनामी आती है, पूरा सबको डुबा डुबा करके सबको बहा लिया है, सबको बहा लिया, लेकिन किसने किया, अनिया प्रेम बन्या भाषाइल अवनी, प्रेम का बाढ़ लाया कौन, बलदेव प्रभु लाए, लाने वाले श्री बलदेव प्रभु, अनिया प्रेम बन्या भाषाइल अवनी, सारे पृथ्वी को प्रेम की बाढ़ में किसने बहाया, नित्यानंद प्रभु है, श्री बल श्री महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। इसलिए जो वस्तु को पाने चाहते हैं नित्यानंद प्रभु वो सारे प्रेम को सर्वत्र लुटाएगा है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, राघव इनको जैसे भगवान को तुम पूजा करते हो ऐसे श्री बलदेव प्रभु को भी ऐसे पूजा करो, नित्यानंद प्रभु को ऐसे पूजा करो, ये मेरी रहस्य बात है, इनको पूजने से मेरा पूजा हो जाता है, मेरी पूजा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते तबे प्रभु आइलेन बराह नगरे महाभागवंत एक ब्राह्मण रघरे, वहां से उन्होंने राघव पंडितों कृपा किया, एक एक भक्तों को घर घर में महाप्रभु जा रहे। अभी महाप्रभु कहाँ पर आए, कहते एक ब्राह्मण को घर में आए, वो ब्राह्मण कौन है, बोले सही विप्र बड़ सुशिक्षित भागवते प्रभु देखी भागवत लागिला पड़ीते, कहते वो जो ब्राह्मण है भागवत तत्व में बड़ा पारदर्शी है,
है, बड़े पारदर्शी भागवत तत्व में जब श्री चैतन्य महाप्रभु देखे पास, उन्होंने भागवत पढ़ना शुरू किया। लेकिन भागवत किया बोले हरि प्रत्येक जो अक्षर है श्लोक वो रसमय भागवत पूरा रस से भरा हुआ है, है? इसलिए निगम कल्प तरुर गलितम फलम कहती है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है ये भागवत है, इसलिए रसमालयम भागवत किया रस की घर है, ये रस की घर ही है। एक एक जैसे अंगूर, अंगूर देखे हो सब, अंगूर एक फल को दबाओ तो क्या निकलता है, रस निकलेगा ना। कहते भागवत का हर अक्षर एक एक अंगूर का जैसे, अंगूर का जैसे बस एक एक अक्षर को दबाओ ना केवल रस ही रस निकलेगा, इसमें केवल रस ही रस है भागवत है। इसलिए तत्रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्रस्याद रति क्वचित, अगर भागवत रस को कोई अगर आस्वादन करे तो बस उसको और किसी रस की लेने की उसको बाकी नहीं रह जाएगा, उसमें ही तृप्त हो जाएगा। इसलिए कहते ये भागवत रसमय है। श्रीमन महाप्रभु जो भागवत श्लोक सुना है ना, ए महाप्रभु सुनते ही वहीं पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। और कितना समय तक उन्होंने नृत्य किया बोले तीन प्रहर। तीन प्रहर कितना होता है, कितना होता है, नौ घंटा, नौ घंटा महाप्रभु नौ घंटा। हम यहाँ दस पंद्रह मिनट नाचते हैं ना थक जाते हैं, हम थक जाते हैं, इसलिए महाप्रभु ने नौ घंटा तक नृत्य किया। और महाप्रभु महाप्रभु जो ब्राह्मण था ना उसको उन्होंने महाप्रभु आलिंगन किया, आलिंगन करके महाप्रभु उसको कहा तुमने आज कितना सुंदर भागवत पाठ किया, मैंने कभी ऐसे सुना ही नहीं है। महाप्रभु बोले बोले आज से हम तुम्हें एक उपाधि देता हूँ। बोले क्या उपाधि देंगे, बोले तुम्हारे नाम है श्री भागवत आचार्य। क्या नाम है, कहते तुम्हारा नाम भागवत आचार्य है। जितने भक्त लोग सुन करके बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि, सब लोग सुनकर बड़े खुश हो गए। देखो यही भागवत आचार्य ने उन्होंने क्या किया, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है उन्होंने उसको बंगला में ट्रांसलेशन किया, बहुत सुंदर है। बंगला किसको आता है, हाथ उठ तो, बंगला किसको किसको आता है, पढ़ी पढ़ चाहे पढ़ी पढ़ लिख पढ़ चाहो, ए देखो पंडित तुम पढ़ी पढ़ चाह तो कौन कर लो, खाई लो सोई लो, भाई तुम पंडित जी है बुझी बार छो कौन सब बंगला पढ़ो। बंगला क्योंकि देखो जो बंगला है ना ये मूल भाषा, मूल भाषा मतलब जैसे आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, चैतन्य भागवत पढ़ोगे और बंगला नहीं जानते हो ना, क्योंकि भले ही जितने ट्रांसलेशन हो लेकिन मूल भाषा में जो रस है ना वो और कोई नहीं मिलेगा है। अगर अगर बंगला भाषा आपको पता है, क्योंकि चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत कभी ये और किसी भाषा में ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है, उसको भाव नहीं आएगा फिर, इसलिए आपको बंगला सीखना पड़ेगा ही। अगर हम महाप्रभु का भक्त बने, महाप्रभु का बंगला तुम्हें सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं मंदिर आने से पहले चौदह साल उम्र में आने से पहले मैं घर में बंगला सीख करके आया, बंगला आखिर में सीख करके घर में आया है। इसलिए बंगला सबके से बंगला सीखो, क्या बंगाली, इसलिए जो उन्होंने क्या किया पूरा भागवत को उन्होंने बंगला भाषा में उन्होंने पूरा ट्रांसलेशन किया। इसलिए जिसका नाम है, क्या बता सकते क्या नाम, उसका नाम कृष्ण प्रेम तरंगिनी, ये ग्रंथ है अद्भुत ग्रंथ है। ये ग्रंथ हमारी गुरु जी के मठ में कार्तिक मास में ये ग्रंथों को पाठ करते हैं। अगर जैसे भागवत का अगर आपको कोई अगर जल्दी जल्दी बात सार रूप में अगर कोई पढ़ना वो ग्रंथों को पढ़ो, जितने व्याख्या कर सकते करो, क्योंकि पूरी भागवत अब महाप्रभु जिनका नाम भागवत आचार्य दिया, महाप्रभु का आदेश उनको प्रति दिया भागवत को तुम बंगला में ट्रांसलेशन करो है। उन्होंने महाप्रभु का आदेश को उन्होंने ये ट्रांसलेशन किया है, इसलिए कृष्ण प्रेम तरंगिनी उसका नाम है। इसलिए महाप्रभु का कृपा देख करके सबके सब श्री हरि ध्वनि दिया, बोले सवार करिया मनोरथ पूर्ण काम पुनः आई लेने प्रभु नीला चल था। सभी का महाप्रभु ने इच्छा पूरी करके महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, हम अभी जहाँ पर है यही स्थान पर महाप्रभु आए। और हम लोग बड़े भाग्यवान हैं अभी पुरुषोत्तम धाम में, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में और श्री पुरुषोत्तम महीना में, और श्री पुरुषोत्तम का हम कथा सुने हैं, पुरुषोत्तम का हम कथा सुन रहे हैं। इसलिए हम बड़े और कहाँ पर बोले पुरुषोत्तम के सामने
हैं पुरुषोत्तम को सामने, और पुरुषोत्तम कथा हम अभी श्रवण कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु नीलाचल धाम में आए और जब सब भक्त लोगों ने सुना हैं, सब भक्त लोगों ने सुना महाप्रभु नीलाचल धाम में आए, बोला आईला सचल जगन्नाथ नीलाचल। क्या बोल रहे हैं? ये जो जगन्नाथ जी अचल जगन्नाथ एक जगह पर बैठे, महाप्रभु कौन है? सचल जगन्नाथ, जो चलता फिरता हुआ जगन्नाथ है। सब लोग बोले सचल जगन्नाथ श्री जगन्नाथपुरी में आए महाप्रभु। काशी मिश्र जो गंभीर है, काशी मिश्र घर में महाप्रभु रुके। इसलिए कल होगा तो हम लोग, अगर तुम लोग जाना चाहते हो आरती के बाद में, महाराज थे ही नहीं, कल होगा तो हम सबके जाकर परिक्रमा कर आएंगे, ठीक है। गंभीरा सिद्ध बगुल और हरिदास ठाकुर उनका वहाँ पर श्वेत गंगा सारो भट्टाचार्य जी का घर, और वहाँ पर जितना दूर हो सकता है देखेंगे कितना दूर जा सकते हैं। अगर परमानंदपुरी कुआ होगा तो देखेंगे, अगर समय होगा तो उसको सब दर्शन करके फिर आ जाएंगे, ठीक है। आरती के बाद में जाएंगे और दर्शन करके वापस आएंगे। इसलिए यहाँ पर किसी महाप्रभु जब आए काशी मिश्र, कहती काशी मिश्र कृष्ण लीला में कौन थी? कहते ये काशी मिश्र कृष्ण लीला में ये कुब्जा थी। जैसे कुब्जा ने जब कृष्ण को मिले ना, उनका दुपट्टा पकड़ लिया, मेरे घर में चलो। इसलिए महाप्रभु आते ही काशी मिश्र ने क्या किया, उनको पकड़ करके अपना घर में ले गए उनको, और महाप्रभु वहीं पर रहे। अभी राजा को जो पता चला श्रीमन महाप्रभु अभी आए, इतने में राजा ने क्या किया, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए राजा आए। जब राजा दर्शन करने के लिए आए, अभी राजा की इच्छा महाप्रभु को मिले, लेकिन महाप्रभु राज दर्शन नहीं करते। बोले क्यों? बोले ये विषय आदमी, इनको देखने से मेरा अंदर में, मेरे अंदर में भी ये भोग की वासना आएगा, इसलिए महाप्रभु दर्शन करना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बोले, थोड़ी सी महाप्रभु को बोलो ये राजा मिलना चाहते, लेकिन सार्वभौम प्रभु का हिम्मत नहीं हुआ है उनको बोलने के लिए दर्शन दो। तब राजा ने बताया, देखो अगर हम पास में नहीं जा सकते है ना, थोड़ी दूर से तो दर्शन कर सकते हैं। बोले ठीक है। बोले किस समय इनको हम दूर से दर्शन कराएंगे? सब लोग विचार कर रहे हैं, महाप्रभु जिस समय नृत्य कीर्तन करते हैं, भाव से महाप्रभु कीर्तन करते हैं, हैं प्रेम में डूबते हुए राधा रानी भाव से, इसलिए जब उसी समय में इनको हम दर्शन करा देंगे। उसी समय उनको दर्शन कराया, और महाप्रभु का शरीर में जो प्रेम अश्रु कंप अद्भुत अष्ट सात्विक विकार, कभी महाप्रभु पछाड़ खाकर गिरते हैं, सारा शरीर में धूल धूसरी, नाक से पानी गिर रहा है, मुंह से लाल टपक रहा है, उन्होंने जब ये चीज को देखा है ना, लगा तो बहुत अच्छा लगा है देख कर, लेकिन थोड़ी सी ना थोड़ा घृणा हो गया। बोले क्या, मुंह से लाल टपक रहा है, नाक के पानी गिर रहा है, सारा शरीर धूल धूसरी, थोड़ी सी महाप्रभु का प्रति ना थोड़ा ये भावना आ गया। जब आ गया, इतने में राजा विश्राम करने के लिए गए। जब विश्राम करने के लिए गए ना, उन्होंने किया विश्राम कर किया था जगन्नाथ जी को दर्शन किया, सख्यात जगन्नाथ जी को दर्शन किया। और जगन्नाथ जी को किस रूप में दर्शन किया? जैसे महाप्रभु का मुंह से लाल टपक रहा था, नाक से पानी गिर रहा था, पूरा महाप्रभु का शरीर में पूरा धूल धूसरित हो रहे थे, जगन्नाथ जी को भी ठीक उन्होंने वैसे देखा, जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए स्वप्न देख रहे। और जब उन्होंने जगन्नाथ जी को स्पर्श करने के लिए गया, जगन्नाथ बोले मेरे को स्पर्श मत कर, कहा तू राजा का बेटा और कहा है, मैं कहा मेरे धरा सारा शरीर धूल दूसरी तो हो रहा है, नाक से पानी मुंह से टपक रहा है, तो मेरे को किचड़ हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मेरे को स्पर्श मत किया करो। फिर उन्होंने क्या देखते हैं, जो उनका शरीर में हो रहा था ना, वही जगन्नाथ जी का शरीर में, फिर देखते हैं वो जगन्नाथ जी नहीं, फिर चैतन्य महाप्रभु को देखा, जगन्नाथ ही श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर समझ गए, अरे ये महाप्रभु और कोई नहीं, महाप्रभु कौन है? श्री जगन्नाथ जी। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की। फिर उन्होंने समझ गए हैं महाप्रभु, फिर जब समझ गए तब महाप्रभु ने कहा, देखो, तब उन्होंने क्रंदन किया, बोले मैंने अपराध किया है। तब महाप्रभु ने कहा, देखो साधारण राजा की क्या बात है, राजा महाप्रभु देख करके समझ नहीं पाए, राजा की क्या बात, जिनके माया में ब्रह्मा मोहित हैं, शंकर जी मोहित हैं, स्वयं जगन्नाथ भी अपना माया में मोहित हो जाते हैं,
बलदेव प्रभु विश्व माया में मोहित हो जाते हैं। या करे अपने श्री जगन्नाथ श्री चैतन्य गोसाई राजा जानी लिया किछु भेद नहीं। राजा को क्या पता चला, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं जगन्नाथ जी है, ये जगन्नाथ जी है। अभी वो क्या करते हैं है? सब इतने में एक दिन महाप्रभु भक्तों को साथ में बैठे हुए थे, इतने में राजा जी आकर सीधा चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर पड़े हैं। और जब गिर पड़े राजा का शरीर में स्वेद कंप अश्रु पुलक सारे लक्षण बुलारी, जितने भक्त लोग आश्चर्य हुए किसके शरीर में स्वेद कंप प्रेम में, बोले राजा का शरीर में क्यों, जगन्नाथ जी का कृपा हुई ना। वो कौन थे राजा, प्रताप रुद्र स्वयं इंद्रद्युम्न महाराज, जिसने जगन्नाथ जी पहले स्थापन किया। जब महाप्रभु आए वही इंद्रद्युम्न महाराज अभी हैं राजा बन करके आए, इसके शरीर में सारे प्रेम का लक्षण देखा। इतने में महाप्रभु एकदम बेहोश हो गए राजा। महाप्रभु शरीर पर सर पर हाथ रखते उनका मूर्छा भंग हुआ। मूर्छा भंग हो महाप्रभु को स्तुति कर रहे हैं, क्या स्तुति कर रहे हैं हम फिर इसको कल सुनेंगे। महाप्रभु क्या स्तुति कर रहे हैं, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितारि गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नितारि गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर ब्रह्मानंदे।